हेलो गाइस, लावा ने लॉन्च कर दिया है अपने कमाल का फीचर फ़ोन लावा पल्स, जो कि इसका मेन हाईलाइटिंग फीचर होने वाला है गाइस। इसका हार्ट रेट मॉनिटरिंग और साथ में बीपी भी मॉनिटर करेगा गाइस ये। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ोन हो जाता है गाइस, जहां अपन बैंड में अपना हार्ट रेट मॉनिटरिंग करते थे। एमआई का बैंड आता था और भी जो बैंड आते थे उसमें से। तो अभी लावा का जो फ़ोन है गाइस, आपको पता है लावा इंडियन ब्रांड है, तो लावा के थ्रू अपन ये काम अब कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है गाइस। इसमें 1800 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेंगी, साथ में मैनुअल जो भी है, और एक चार्जर मिलेगा नॉर्मल वाला। और साथ में इसमें 32 MB का रैम आपको देखने को मिलेगा, 2.4 इंच का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, और नीचे में आपको 3.5 mm जैक और USB कनेक्टर जो पोर्ट होता है वो मिलेगा। फीचर फ़ोन है गाइस, पीछे स्पीकर, लावा की ब्रांडिंग और कैमरा के साथ है जो मॉनिटरिंग वाला सेंसर लगा हुआ है, जिसमें हार्ट रेट ये सब मॉनिटर होता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है गाइस, बस जो बीच में आपको बटन दिख रहा है मिडिल में, वहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है, फिर आप मॉनिटर वाले फीचर में चले जाएंगे। फिर आपको कैमरे जो है पीछे में, उसके ऊपर आपको अपना उंगली रखना है गाइस। तो कैमरा के ऊपर आप उंगली अच्छे से रखेंगे तो तुरंत ही मॉनिटर कर लेगा कुछ ही देर में, आपको बीपी और आपका हार्ट रेट जो भी है एक साथ सब कुछ बता देगा। तो गाइस आप स्क्रीन में देख सकते हैं जो HR करके लिखा हुआ है, वो है अपना हार्ट रेट मॉनिटर जो बताया है, हार्ट रेट मॉनिटर करके। और नीचे में आप देख सकते हैं SBP और जो कि अपर बीपी है, और DBP मतलब लोअर बीपी आपको दिख रहा है। तो बाकी जो एग्जैक्ट तो नहीं बताता है गाइस कोई भी डिवाइस हो, लेकिन अप्रॉक्स तो बता ही देता है किस टाइप का क्या है। तो एज अ फन भी इसको ले सकते हैं। बाकी फ़ोन तो बहुत अच्छा है गाइस, कमाल के फीचर्स के साथ आता है। वहीं अगर किसी और फ़ोन के साथ इसको कंपेयर करें तो आपको नोकिया के फ़ोन्स भी 2000 रुपये में आएंगे, जिसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉल लगाना है और म्यूज़िक वगैरह मिलेंगे। पर जो एक्स्ट्रा फीचर ये लावा के फ़ोन में अपने को मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है गाइस, इंडियन ब्रांड है तो अपने को सपोर्ट करना है, तभी आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा फ़ोन है, इंडियन ब्रांड है आपको पता है, तो एक अच्छा फ़ोन हो जाता है गाइस। वहीं अब प्राइस की बात करते हैं, तो ये जो फ़ोन है गाइस वो 1500 रुपये के आसपास हो सकता है, अभी कुछ फिक्स नहीं है गाइस। और ये फ़ोन जो है ना वो अमेज़ोन में आपको देखने को मिलेगा, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं अगर आप इसको लेना चाहते हैं। तो फ़ोन की प्राइस गाइस अभी अप्रॉक्स बताऊं तो 1500 से 1900 के बीच में होने वाली है सिर्फ, मुझे डिटेल अभी तक नहीं पता चला है कि प्राइस इसका क्या है। और जो फीचर है गाइस, इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो हर फीचर फ़ोन में मिलता है, कैमरा हो गया, जब सब कुछ हो गया, FM रेडियो भी बहुत अच्छे से काम करता है इसका, साथ में सब कुछ आप सेटिंग और जो भी है गाइस ब्लूटूथ वगैरह जो फीचर फ़ोन में होना चाहिए वो सब आपको मिलेगा। और आप इसमें आप डुअल सिम भी यूज़ कर सकते हैं, डुअल सिम आप लगा सकते हैं साथ में गाइस। डुअल सिम के साथ जो एक आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, जिसमें आप 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं मेमोरी को। और हाँ, एक बात और है गाइस, इसकी मेमोरी कार्ड लगाना आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कितने GB का भी लगा लीजिए, ताकि जो ये जो फ़ोन है 500 कॉन्टेक्ट सेव करेगा, साथ में 100 SMS का जो इसमें मेमोरी स्पेस बस है फ़ोन के अंदर। बाकी अगर आप मेमोरी कार्ड लगा लेंगे एक तो बहुत आपके लिए सुटेबल हो जाएगा, जिससे आप कैमरा वगैरह और बाकी सब भी यूज़ करते हैं बहुत कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो गाइस मुझे तो कमाल का फ़ोन लगा ये। जनरली अपन कोई भी फीचर फ़ोन लेते हैं तो नोकिया का लेते हैं या सैमसंग कुछ भी लेते हैं, तो वो बहुत महंगा मतलब कॉस्टली रहता है फीचर फ़ोन के हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो गाइस, तो 2-3 हज़ार का हम लोग वो फीचर फ़ोन लेते हैं, तो ये जो 1500 से 1900 के बीच में ये फ़ोन मिलने वाला है, तो ये ज़्यादा सही लग रहा है मुझे। तो इस वीडियो हो जाता है ख़त्म, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।